वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रीति। हमारी सुबह सुबह हो चुकी है, पत्ती खत्म और मम्मी ने कहा कि घर में पत्ती के पैकेट है ही नहीं। मैंने मम्मी को बोला मम्मी सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन पत्ती खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पत्ती के हमने 4-5 पैकेट लेके रखे हुए हैं। जब हमें पता चला ना एक बार लास्ट टाइम हमारी पत्ती खत्म हो चुकी है, तो हमने काफ़ी सारी पत्ती लेके रखी थी, क्योंकि लॉकडाउन में यू नेवर नो कि पत्ती कहाँ खत्म हो जाए, तो ये तो हमें चाहिए ही थी। हम लोग जैसे उठते हैं तो एक एक कप चाय पीते हैं और सब लोग हम बाहर ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह धूप नहीं होती है तो मौसम अच्छा होता है, उसके बाद तो हमने अंदर ही बैठना होता है, तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं बाहर सारे। आज दीपू के रूम का जो हमने दीवान सेट था वो तो काफ़ी टाइम पहले का हमने कर ही दिया था, लेकिन अभी इसके रूम में ना थोड़ी सी और भी सेटिंग करने के लिए पड़ी हुई है, जैसे कि एक साइड में साइड टेबल सा लगा दिया, एक उस तरफ कुछ डेकोरेट करने के लिए इस कॉर्नर में लगा दूंगी, मतलब अभी जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो सारी। अभी मैं तैयार हूँ झाड़ू लेके, झाड़ू लगाने के लिए पहले झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो दोपहर का टाइम फ्री वाला होता है उसमें मुझे ये सारे काम करने हैं। थोड़ा सा काम दोपहर को करूंगी, कपड़ों को तह लगाने वाला, थोड़ा सा काम करूंगी रात को, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि खाने के लिए क्या बनाए। मम्मी बोलते थे कि मूली के पराठे बनाने हैं, लेकिन मतलब अभी कुछ टाइम के बाद 12-1 बज जाएंगे, तो दोपहर के लिए खाना अभी बना लेती हूँ। सब्जी प्रिय, सब्जी क्या नाम है यार, है प्रिया, मिक्स दाल बना लो है ना, या फिर बढ़िया मिक्स दाल ना, इजी है बनने में, जल्दी बन भी जाती है। और किचन में काम करने का बहुत मन करता है, अगर आपको सारे बर्तन ऐसे पड़े हो ना, कई बार अगर ऐसे बर्तन रह जाते हैं तो सुबह किचन बड़ी मैसी लगती है, तो इसीलिए रात को हमेशा सारे बर्तन धो के ही सही है।
मम्मी ने मेरे फुलके करवा दी बंद, मैंने 4 फुलके बनाए वो हम दोपहर में रख लेंगे, और मम्मी ने मूली है कद्दूकस भी कर दिए है। बाहर सारा सामान लेके जाओ, मैंने बाहर रोटी बनानी है। तो गैस हमारी हो चुकी है, अभी लास्ट फुलका है, फिर गैस कर देंगे हम बंद। 4 फुलके हम रख लेंगे दोपहर को खाने के लिए, और दाल मैंने बनाई दी है, बस इसको तड़का लगाना है। ये लेके आए मम्मी मूलियाँ, तो इनको पहले वॉश करके रख देते हैं, और बाकी मूलियाँ मम्मी ने कद्दूकस कर ली जो परांठे बनाने वाली है। तो ये सारी मम्मी फ्रेश लेके आई हैं। क्या बोलते थे आप कि मम्मी सोचा प्रीति इतनी तेज, हाँ हाँ परांठे बना भी दिए। अच्छा परांठे ने अभी बनाए नहीं थे मैंने, फुलके बनाए थे, 4 फुलके बनाए हैं, और मम्मी अभी बना रहे हैं परांठे। पोछा लगाने के लिए मैंने बाल्टी भी भर के रख दी, अभी तो अभी लगाते हैं, पहले झाड़ू करेंगे फिर पोछा आराम से। मैंने आज प्रिया दीदी का ये वाला कुर्ता पहना है, क्योंकि ये वाला कुर्ता उनको टाइट हो गया, तो हम दोनों ने ना अपने कपड़े एक्सचेंज कर दिए हैं। जैसे कि जो कपड़े उनको पूरे आते वो उन्होंने ले लिए हैं, और उनके जो कपड़े मुझे पूरे आते वो मैंने ले लिए हैं। कितना अच्छा आ रहा है ना ये। प्रिया दीदी बोल रहे हैं जब लॉकडाउन खुलेगा मैं अपने सारे कपड़े तेरे लिए ले आऊंगी, है ना। अरे ये तो बिल्कुल फिट आया अच्छे से मम्मी, हाँ एक दूसरे के कपड़े। जब मैं कॉलेज में जाती थी तब फिट के नहीं है, हम दोनों डालते हैं वैसे। हाँ जब हम कॉलेज में जाते थे, जब मैं कॉलेज में जाती थी तो प्रिया दीदी कुछ कपड़े मैं यहाँ पहनती थी, प्रिया दीदी वहाँ पे पहनते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है यूट्यूब के माध्यम से दिख जाता है कि हमने एक दूसरे के पहने हुए हैं। कि नए नए कपड़े पहने, हाँ और बहुत अच्छा भी लगता है। कौन कौन ये करता है कमेंट करके बताइए, है ना। सब भी करते होंगे ना, ऑलमोस्ट क्या जैसे भाभियाँ होती है ना, जैसे शादी हो अपनी भाभी का लहंगा ले लिया, भाभी के साड़ियाँ ले ली, है ना। अपने पीजी में रहती है ना उनकी बेटी, उनकी बेटी मतलब उनकी मतलब माँ, उन दोनों की हाइट सेम थी, दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं, है ना। आपको और आंटी के सूट भी सेम आते हैं, आपको और आंटी को, है ना। आंटी पहनती है प्रिया दीदी के सूट पे, है ना। मूलियाँ कम पड़ गई जो मम्मी ने कद्दूकस करी थी, अभी थोड़ी सी और कद्दूकस करेंगे। अभी चाहिए मम्मी को धनिया पाउडर, और ये रहा हमारा धनिया पाउडर। अभी मुझे खाना है, तो पराठे मम्मी बार बना रहे हैं और मैं ले जाती हूँ दही। मंजी बैठ के खा रही थी तो पूरा गिर गया ऊपर, अब मैं यहाँ बैठ के आराम। एसी कौन सा चलता है अभी? यहाँ से मैंने कंप्यूटर टेबल भी उठा दिया है, और कंप्यूटर टेबल हमने लगा दिया है बरामदे में। तो ये वाला रूम हमारा हो चुका है खाली। मुझे लगता है जितनी चेंजेस मैं करती हूँ घर में उतना कोई नहीं करता होगा मुझे, क्योंकि आई थिंक हर मौसम के अकॉर्डिंग घर में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि अभी ना कूलर की कोई भी सेटिंग नहीं हो रही, मतलब कूलर तो वहीं पर रहेगा लेकिन बेड की कोई सेटिंग नहीं हो रही है। बेड को मैं कहाँ पर लगाऊँ, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से कूलर की हवा ना यहाँ पर आती तो है, लेकिन सिर्फ पैरों तक बचती है हवा।
सेट कर दिया। बेड, ये साइड टेबल, सारा काम हमारा हो चुका है ख़त्म। और इस रूम में ना यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। पहले ये रूम पूरा बंद था तो यहाँ पे किसी का आने को मन नहीं करता, और अगर अभी यहाँ पे आप लेट जाओ ना तो बहुत ठंडी हवा आती है बाहर से और बहुत अच्छी नींद आती है। अगर मुझे लगा कि दोबारा कंप्यूटर की यहाँ पे यूज़ ज़रूरत है तो मुझे फिर से यहीं पर रखना पड़ेगा, तो वो तो इजी है, मतलब उठाने के लिए आसान सी चीज़ है, उसको उठा सकते हैं। और टेबल और चेयर मैंने इस तरफ लगा दी है, और जो साइड टेबल था वो हमने देखा कि पिप्पू के कमरे में लगा दिए। जो बेडरूम है उसकी मैंने चादर वगैरह चेंज की है, थोड़ी सी और सेटिंग करनी है, अलमारी के कपड़े सेट करने हैं। तो ये सारे काम तो मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं, हमारे घर को सेट करना, ये करना, वो करना। लेकिन जैसे कि हमारा घर अभी दोबारा से सारा सेट कर रहे हैं हम, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सी सेटिंग कहाँ पे करें। जैसे कोई सेटिंग कर देते हैं उसके बाद मौसम चेंज हो गया, गर्मी आ गई, अब गर्मियों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ पर हवा आती है, कहाँ पर गर्मी लगती है, तो ये सब देख के सारा कुछ सेट करना पड़ता है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी ये वाली बेडशीट चेंज करनी है मुझे, तो ये रूम मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। एक इसमें चेयर टेबल एक बेड, आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी अगर किसी को नीचे सोना हो तो फिर वो चटाई वगैरह बिछा के नीचे सो सकते हैं। तो बस ये वाली बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और उधर मम्मी और चाची के चाची आए मेरे आज, तो मम्मी और चाची ने बना दिया चाय, चाय पीती हूँ जाके। और इसके साथ ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। जाते जाते मैं चद्दर बिछा जाती हूँ।